महादेव ऐप को लेकर भाजपा द्वारा रविवार को एक वीडियो जारी किया गया था। इस वीडियो में शुभम सोनी नामक युवक खुद को ऐप का मालिक बता रहा था और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई नेताओं को लेकर दिए गए उसके बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि भाजपा अपने हार के कारण ईडी को सामने करती है। ईडी प्रमुख भूमिका निभा रही है और उसमें जिस व्यक्ति का मैसेज आया वह पकड़ा गया तो पता चला कि भाजपा का वो करीबी है, जो गाड़ी है वो भाजपा नेता की है, बिलासपुर के हैं, कोरबा के हैं, भाजपा का विंग है ईडी। दूसरी बात, अभी तक सौरभ चंद्राकर और रवि को मुख्य खिलाड़ी मान रहे थे, नया आदमी आया है जिसका पहला मेल आता है फिर मैसेज आता है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, 17 तारीख तक कुछ न कुछ आता ही रहेगा, जब तक मतदान न हो जाए जाँच करो, अरेस्ट करो, किसने मना किया है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से भी संचालित होता है, जो अभी भी चल रहा है। जब तक ऑनलाइन बेटिंग बंद नहीं होगा, कुछ भी बंद होने वाला नहीं है। ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले ने पूरे देश भर में लाखों फर्जी खाते खुलवाए हैं, जिनमें बड़ी रकमों का लेन देन होता है और इसमें अधिकांश बैंक खाते नए नए राष्ट्रीय बैंकों में या फर्जी खाते बहुत छोटी छोटी अवधियों में बंद कर दिए जाते हैं। केंद्र सरकार को चाहिए कि ऐसे सभी खातों की पहचान कर उनको बंद कराया जाना चाहिए, उसमें जमा राशि को राजसात कर लिया जाए, तभी ऑनलाइन सट्टा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। हमने 3-4 हजार फर्जी बैंक अकाउंट बंद कराए, 2 साल से जांच चल रहा है। छत्तीसगढ़ के बच्चे बच्चे को पता है कि मेन प्रमोटर रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर है, ईडी को पता ही नहीं है। और 17 तारीख को ऐसी कहानी आते रहेंगे, आप देखते सुनते रहिए, एंजॉय करिए। बीजेपी को पता है वो हार रही है, इनको अपने आका के लिए छत्तीसगढ़ का खदान चाहिए। निर्वाचन आए तो पहले बताना चाहिए कि रायपुर में जब मीटिंग हुई थी ईडी आईटी अधिकारी बैठे थे क्या? दूसरी बात यह है कि अभी तक संज्ञान क्यों नहीं लिए, जब इतनी बड़ी बात सारे मीडिया में आ चुका है तो निर्वाचन आयोग को तो स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। वैसे हमारे तरफ से कंप्लेन जाएगा, किसी की छवि खराब करने के लिए जिस प्रकार से प्रयास हो रहा है उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि स्पष्ट निर्देश है निर्वाचन की जो नियमावली है कि उसमें इस प्रकार से जो FIR होगा या कोई भी कार्रवाई होगी उसका दुरुपयोग कोई व्यक्ति नहीं कर पाएगा, कोई राजनीतिक दल नहीं कर पाएगा, लेकिन इसका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। निर्वाचन आयोग को इसको देखना चाहिए, इसलिए प्राण लगाए हुए। दूसरी बात यह है कि ये एक जो बंदा नया आया है, आप ईडी के जो प्रेस रिलीज है उसमें उसको बताया गया है कि ये जो महादेव का है उसका एक अधिकारी है। दूसरे दिन वीडियो आता है कि वो उसका मालिक है, ये जो सौरभ चंद्राकर है वो उसके कर्मचारी हैं। बड़ा उदार आदमी है जो अपने नौकर की शादी में 250 करोड़ रुपये खर्चा करता है। आज तक हमने नहीं सुना कि विश्व में, दुनिया में ये नहीं सुना कि अपने नौकर के शादी में 200-250 करोड़ रुपये खर्च कर दे, लेकिन इन्होंने किया है। और वीडियो आपने देखा होगा, कितने बार उठ के वो वीडियो ठीक करता है, थूक गटक रहा है, बोलने के तौर तरीके कितने उसमें कट पेस्ट हुआ है, इससे पता चलता है कि और जितना इसको गोदी मीडिया में दिखाया गया है, इतना तेज़ी से प्रचार प्रसार किया गया है, इसके प्रचार प्रसार से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है और ये षड्यंत्रकारी लोगों को इस समय, और पिछले समय 15 सीट भी रह गए थे, इस समय उतनी भी सीट नहीं मिलने वाली है, ये स्थिति इनकी है। कैसे देखते हैं उनके बयान को? अब तो हम अभी तक के 450 लोगों को गिरफ्तार कर लिए, 65 गिरफ्तार कर लिए, 72 FIR हुआ है, उसके लैपटॉप जब्त हुए हैं, पैसा जब्त हुआ है। आप क्या कर रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी है कि ये बंद कराना चाहिए, उसको गिरफ्तार करके लाना चाहिए। लुकआउट सर्कुलर तो हम कब से जारी कर चुके हैं, उसकी कापी में भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, हमने गूगल पर पहले ही लिख दिया, ये चिट्ठी है कि आप इसको बंद करें। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? भारत सरकार की। सर, ये तो लगातार काम खराब किया जा रहा है, इसमें क्या मानहानि का कोई दावा? वो ये देखो, ये राजनीतिक लड़ाई है, हम राजनीतिक ढंग से लड़ेंगे।
तो ये 17 तारीख तक कुछ न कुछ आता रहेगा जब तक के मतदान ना हो जाए। मैं तो कहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन करो, अरेस्ट करो। किसने मना किया भाई? कार्रवाई करो। आरोप लगाना है तो मैं भी आरोप लगा देता हूँ। बीजेपी और ईडी मिलकर महादेव वालों को बचा रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री अमित शाह जी क्या संबंध है जो अभी तक के उसमें कार्रवाई आप नहीं कर रहे हैं। अब इनका फायदा तो इस प्रकार की कहानी डलवाने में ही उनको राजनीतिक फायदा होगा। 2 साल से इसकी जांच चल रही है। उन्होंने एक ऐप बंद किया जो कि भारतीय सर्वर में प्ले स्टोर पर पहले से नहीं है। इनकी मनसा बंद कराने की नहीं है। ये लोग अपने कस्टमर को APK भेजकर सट्टा खिलाते हैं। इस पर कार्रवाइयाँ करना चाहिए और पूरे देश में सभी ग्रुप को प्रतिबंधित करना चाहिए। सवाल वही है कि ये बंद भी नहीं हुआ है ना, ये कहाँ बंद हुआ है? जिसको APK है वो तो चल ही रहा है, उसको कब बंद करेंगे? अब ये नई बात बता रहे हैं, वीडियो जो है बीजेपी ने जारी किया है, है ना, और प्रेस नोट है ईडी ने जारी किया। तो मतलब कितना बढ़िया संबंध है, है ना? जैसे पहले कार्रवाई करते थे ईडी और प्रेस विज्ञप्ति जारी करता था रमन सिंह। तो ये तो ईडी और भाजपा की मिली भगत है, वो तो स्पष्ट हो गया है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार मान चुकी है और इस कारण से ईडी IT को सामने करके चुनाव लड़ रहे हैं। और ईडी है वो प्रमुख भूमिका निभा रही है। और उसमें जिस व्यक्ति का अभी मैसेज आया और वो सारे तमाम, पहली बात तो पकड़ा गया, पता चला वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के बड़े करीबी हैं। जो गाड़ी है वो भी किसी भाजपा नेता के गाड़ी है, जो बिलासपुर के हैं, कोरबा के हैं, इस नेता की गाड़ी है। तो आदमी भी उसका, भारतीय जनता पार्टी का, गाड़ी भी उन्हीं का, और पकड़ने वाले भी, मतलब भारतीय जनता पार्टी का एक विंग है ईडी, वो पकड़ती है। अब दूसरी बात कि अभी तक के सौरभ चंद्राकर और रवि उपल को ही मुख्य खिलाड़ी मान रहे थे। अभी एक नया आदमी आया है जिसका मेल, पहले तो मेल आता है।